नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद आजमगढ़ जिले में गरीबों असहायों की मदद के लिए पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। शनिवार को बुनकर बाहुल्य कस्बा मुबारकपुर में मंडलायुक्त और DIG ने सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब परिवारों के बीच लंच पैकेट वितरित किए। इसके साथ ही फल, सब्जी, खाद्यान्न आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा कि मंडल में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। गरीबों असहायों में खाद्यान्न और लंच पैकेटों का वितरण किया गया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि जो कि बहुत गरीब तबके से आते हैं, और ये बताया गया कि इन लोग को खाने पीने की समस्या हो रही है, तो यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया प्रतिदिन इनको देखा जाए, और इनको इसीलिए खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं ताकि कोई भी तबका, कोई भी गरीब आदमी जो कि जिसे कि खाने पीने की दिक्कत हो रही हो, वो इसके इसे मोहताज ना रहे। वहीं DIG सुभाष चंद्र शर्मा ने भी गरीबों के बीच लंच पैकेटों का वितरण किया। DIG ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। DIG ने कहा कि पुलिस हर व्यक्ति तक अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। लॉकडाउन के दौरान आम आदमी की समस्या को लेकर सजग है। पूरे मंडल में डायल 112 पर भी पुलिस आम आदमी की मदद कर रही है। अभी कमिश्नर महोदया के साथ मैंने मुबारकपुर कस्बे का दौरा किया। कुछ शिकायतें मिली थी खाद्य पदार्थों से संबंधित कि कुछ का कृत्रिम संकट बताया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पर SDM, CO, इंस्पेक्टर, EO और RFC के साथ हम सभी लोगों ने बैठक की है। एक इसको स्ट्रेटजी बनी है कि होम टू होम डिलीवरी हो, सबको फल और सब्जी की सप्लाई उनके घर के सामने हो। अभी ये लोग सब्जी मार्केट से इस कस्बे में एक जगह से खरीदते थे तो स्वाभाविक रूप से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती थी। कल से ये व्यवस्था लागू रहेगी, होम डिलीवरी होगी। इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की राशन का, खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है। अगर किसी प्रकार से कोई ऐसी शरारत व्यापारी कर रहा है या ओवर रेटिंग करके बेच रहा है तो उसकी शिकायत करें, तत्काल उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करके जेल भेजने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।